आप सभी से स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकन पे एंड वी आर बैक विद बॉर्डर ब्लॉक एपिसोड नंबर 3। एंड चलो करते हैं मेरे आज के दिन को शुरू। तो मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें कर रखी है, लाइक बहुत चीज़ें कर रखी है। सबसे पहले तो मैंने जो है यहाँ पे सैपलिंग्स वगैरह गैदर की हैं बहुत सारी, जैसे कि सुप्रूस की, एंड इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे मैं और ट्रीज को ग्रो कर पाऊँ, ठीक है। एंड देन वहाँ पे अकेशिया एंड डार्क ओक को मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि मैं इन वुड को ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, तो मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। बट इनके लिए मैंने एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है। एंड द लास्ट हमारे पास आता है हमारा मेन जो है ओक, एंड मैंने यहाँ पे चेक किया कि ये हमारा जो है हमारा क्या कहते हैं स्वाम्प बायोम है, एंड ये वाला बायोम प्लेन बायोम, लाइक दोनों सेपरेट सेपरेट है, ठीक है, क्योंकि आप लीफ को देख के पता कर सकते हो इनके, ठीक है। एंड ये जो है हमारे फूड सोर्स को भी पूरा कर रहा है, क्योंकि एप्पल्स मिलते हैं भाई इनसे, ये मेन है, ठीक है। क्योंकि गाइस अभी देखो, जब भी मैं फूड सोर्स को मेंटेन करना होता था तो मेरे को मरना पड़ता था हर टाइम, ठीक है, हर टाइम मरना पड़ता था। बट फिलहाल हमारे पास इतना सामान तो है कि हम इजिली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे ओर्स वगैरह भी थोड़े बहुत आ गए, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, थोड़े बहुत आ गए हैं, ठीक है। एंड ये लकी कुकीज़ वगैरह भी मैं काफ़ी अच्छे से गैदर कर पाया था, एंड यहाँ पे क्ले वगैरह भी आ गए हमारे पास, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। एंड थोड़े बहुत जो है हमारे क्या कहते हैं ये लॉग्स वगैरह वेस्ट हो गए इन प्लेटफॉर्म को बनाते बनाते, एंड बाकी मैंने कुछ नहीं किया। बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेस्ट सिस्टम लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हमारा स्टोरेज बनेगा एंड ये मेन सर्कल बनेगा, ठीक है। एंड आज मैं ट्राई करूँगा कि थोड़े से हम अपने फूड सोर्स को मेंटेन कर पाए बाय फार्मिंग, क्योंकि देखते हो हमारे पास बीट रूट सीड हैं जो हमको इसी में लेते हैं, ठीक है। एंड हम ट्राई करेंगे कि थोड़े से और सीडें बनाए, ठीक है। तो फिलहाल तो देखो अभी मुझे जो है ओके जो है यहाँ पे ये लॉग्स, तो हम एक चीज़ बना सकते हैं, अगर मैं इसको ले लेता हूँ एंड देन इसके स्लैब्स बनाने थे मुझे बेसिकली, तो आप इसके एक स्लैब बना लो। तो अभी जो है आप इसको ऐसे क्राफ्ट कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एंड इसको यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं बैरल क्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें आप क्राफ्ट कर सकते हो बेट स्काई ब्लॉक के वो मोड्स की, बट यू हैव टू लर्न कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे जो है क्राफ्ट होती है, ठीक है। सो यार मुझे अभी सिर्फ इजी की क्राफ्टिंग रेसिपी पता है, बाकियों की पता नहीं है, तो यार मैं बाकी कुछ क्राफ्ट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फुल ब्लॉक लेते हैं, वेटमेंट मैं पहले फुल ब्लॉक पे इसे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इस पे करोगे ना ये नीचे गिर जाता है कभी कभी, ठीक है। सो फुल ब्लॉक कर लेना पहले अपने प्लेटफॉर्म को, देन इसको रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फुल ब्लॉक कर लेते हैं एंड इसको रखते हैं एंड इसको निकालते हैं हमारे बैरल को। एंड आपको पता होगा कि बैरल को जो है हम लीव्स कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्रॉक चाहिए, एंड क्रॉक आपको जो है आपके मॉब्स वगैरह से मिलता है, ठीक है। सो ये देखते मैंने काफ़ी सारे क्रॉक्स भी इकट्ठा किए थे, तो अभी आपको लीव गैदर करने हैं यहाँ से। एंड सबसे पहले भाई फूड खा लो, लाइक स्पीड बिल्कुल है मेरे पास। और देखिए जैसे आप लीव्स बना लोगे, तो आप लीव से जो है यहाँ पे अगर इसमें डालते हो, तो यहाँ पे लेट्स चेक, यहाँ से आप डर्ट बना सकते हो, ठीक है। लाइक ज़्यादा कुछ नहीं है, बट डर्ट बना सकते हो, एंड डर्ट को आप बाद में सेव कर सकते हो, जिसके लिए हमको शायद सेव बनाना पड़ेगा, एंड वो आई डोंट नो कैसे बनता है, मैं भूल गया उधर, ठीक है। बट मैं ट्राई करता हूँ एक बार याद करने के उसको, एंड देन हम ट्राई करते हैं कैसे बनता है, ठीक है। ओके, तो गाइस देखो अभी सेफ तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो है इनफ चीज़ें नहीं है उसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है आपको ये इकट्ठे करने हैं वेब, ये क्या है कॉब वेब्स इकट्ठे करने, वो आपको जो है आपके ये मिनी स्पाइडर से मिलता है, कहाँ के सबकी सभी। तो अगर आप इनको मारोगे तो आपके पास चांस रहता है कि आप इनसे ले सकते हो, ठीक है। सो अभी तो देखो यार वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो मैं क्ले को थोड़ा सा टर्न करने की ट्राई करता हूँ क्ले ब्लॉक्स में, ठीक है। एंड आपको पता है कि ट्रेड कैसे करते हैं इसमें, बस इसको जो है इसके अंदर फेंक दो, एंड ये धीरे धीरे करके अपने यहाँ पे ट्रेड कर लेगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि हमें ये स्टोन की जरूरत नहीं है, हमें कबल स्टोन की जरूरत है, क्योंकि अब वहीं से सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं दो पिकैक्स बना लेता हूँ एंड चलते हैं हमें थोड़ी सी हाइट के ऊपर, एंड ये जितने भी स्टोन हैं हम सभी को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं ऐसे एंड ऊपर ऊपर चलते हैं एंड देन इनको ब्रेक करते हैं, ओके ओके। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास कबल स्टोन आ चुके हैं, एंड ये सारी चीज़ें भी इकट्ठी कर लेते हैं, एंड अप एंड अंदर वाले जो भी हैं हमारे पास ये भी इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी जो है हमको इसको कबल स्टोन के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि कबल स्टोन आई थिंक सो हमें ओर्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। सो एक बार इसको देते हैं, ट्राई करते हैं कि देखते क्या मिलता है हमको सबसे पहले तो, एंड जल्दी जल्दी दे तो अच्छी बात है भाई। ओके, तो ये देखते हो हमें सैंड मिला, लाइक इससे आप चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लाइक सैंड को आप ट्रेड तो नहीं कर सकते, बट आप सैंड से काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हमें वेट करना है कि अगला क्या देगा ये। ओप ये क्या था, बेसाल्ट, ओके या बेसाल्ट था, ब्लैक स्टोन, बेसाल्ट नहीं था, ब्लैक स्टोन दिया इसने, ठीक है। बट मतलब कि ये कबल स्टोन काफ़ी अच्छी चीज़ है, लाइक कबल स्टोन से काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसमें इसको डाल देते हैं। एंड फ्लिंट मिला हमें, बेसिकली यार हमें सेफ बनाना करना पड़ेगा सेफ का कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें सेफ बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो अभी थोड़े से स्पाइडर वगैरह मारते हैं एंड देन हम सेफ बनाते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे अगर आप चेक करो तो मुझे लावा मिला है, यहाँ पे देखो लावा, गन पाउडर भी है थोड़ा बहुत, ये देख सकते हो गन पाउडर है,
एंड मेन भाई यहाँ पे लावा, ये देख सकते हो भले ही लावा अजीब सा है, बकेट में नहीं है क्योंकि बकेट तो ऑफिस वाले देने वाले तो है नहीं गरीब लोग, ठीक है, बट तो भी यार हमें लावा तो मिल गया। एंड पहले तो मैं इनको ना अरेंज करने का ट्राई करता हूँ, कहाँ पे रखूँ सभी चीज़ों को, एक तो मैं सैपुरी भाई यहाँ पे, ठीक है। सो पहले कवर स्टोन लेते हैं एंड इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं, देन फिलहाल सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं एंड मैं ट्राई करता हूँ लकी कुकी खाने का। एंड लकी कुकी खाने के लिए भी आपको जो एक पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो आपको जो यहाँ पे फुल ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है इसके अंदर से अगर कुछ भी निकलेगा तो वो गिर ना जाए, ठीक है। सो अब नहीं, ये तो डेंजरस जगह होगी थोड़ी सी, लाइक मैं इनके इधर बीच में जाके खाने की ट्राई करता हूँ, शायद इधर थोड़ा सा सेफ रहे, ठीक है। सो एक इधर लगा देते हैं एंड यहाँ पे एक ब्लॉक, ओके तो इधर खाते हैं। एंड ये फुल ब्लॉक है तो क्या रहेगा, जो भी हमारे जो वो निकलेगा मशीन वगैरह निकलेंगी वो कहीं पे जाएंगे नहीं, ठीक है। सो अपने पूरे आइटम्स को इधर रखते हैं एंड यप एंड अभी जो है इनको खाना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके तो गाइस लकी कुकी से हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला, बट हमें यहाँ पे एक मैश मिल गया एंड यहाँ पे हमें सिल टच का जो है ये भी मिल गया, सच नहीं सिल टच नहीं है बट इससे जो है हम इन्फिनाइट देखो क्यों बात है, सिल टच की तरह वर्क करता है। एंड अब हम इन्फिनाइट डर्ट बना सकते हैं, लाइक जितने भी पेड़ ग्रो करना चाहिए कर सकते हैं क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। एंड अभी हम सेफ बनाते हैं क्योंकि सेफ की रेसिपी भी जो है अब मुझे पता चल चुकी है, ठीक है। एंड थोड़ी सी चीज़ें और चाहिए थी, बस इतनी चीज़ चाहिए, ठीक है। सो आपको जो है इनको ऐसे रखना है लॉक्स को, आई थिंक सो ऐसे, एंड एक यहाँ पे ये आएगा एंड ये भी आई थिंक सो लॉग ही आएगा इधर, एंड यहाँ पे प्लैंक आएंगे एंड यहाँ पे स्टिक आएगा ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे प्लैंक आएगा तो अभी आप देख सकते हो ऊपर लॉग्स देन प्लैंक्स आएंगे देन यहाँ पे स्लैब एंड एक स्टिक आएगा, तो हम एक सेव बना सकते हैं, ठीक है। एंड मैश तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी हम एक फुल ब्लॉक कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फुल, ओके शट ये तो नहीं है, ओके तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। बट अभी रुको, इनका अलग से जो है हम जगह बनाएंगे, ठीक है। अभी तो जैसे ऐसी ये टेम्प्रेरी के लिए इधर रखते हैं एंड ये बन चुका है हमारा सेव एंड इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं मैश। एंड अभी जो हमारे पास डर्ट ग्रेवल या जो भी सैंड वगैरह है मैश कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं डर्ट लेता हूँ यहाँ पे, कोर्स डर्ट है हमारे पास एंड यहाँ पे ये जो नॉर्मल वाली डर्ट भी है, ठीक है, ये आ क्यों नहीं रही, ओके ये आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम नॉर्मल वाली डर्ट करते हैं जिससे हमको व्हीट की शीट वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं एंड जल्दी से इनको सेव करते हैं, ठीक है। ओके तो गाइस मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें मिली हैं, जैसे कि बीट रूट, वापस से बीट रूट मिल गया, कैरेट मिल गया एंड ये पम्पकिन के सीड मिले, बट वीट एक सीड नहीं मिला मुझे, ठीक है। सो कोर्स डर्ट से क्या मिलता था मैं भूल गया, ओके तो इससे भी सेम ही चीज़ें मिलती थी बट इससे पेबल्स वगैरह भी मिलते हैं, बट ठीक है, ओके तो मिल चुका है वीट के सीड वगैरह मिल चुके हैं, ठीक है। एंड अभी हम काम करेंगे प्लेटफॉर्म पर, लाइक इसको कहीं और रखते हैं भाई, तो फॉर्म भी बन चुका है। तो देखो अभी इसके अंदर फार्मिंग अभी शुरू नहीं करेंगे मैं, लाइक थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, बेसिकली अभी देखो मेरा इतना फार्मिंग का मन नहीं है, बट मैं इसे थोड़ा सा ट्राई करता हूँ एक चीज़ कि हमको जो है यहाँ पे एक आयरन मिला था जो मैं ट्रेड करना चाहता नहीं हूँ अभी, बट ठीक है एक रेडस्टोन को ट्रेड करके ट्राई करते हैं इसके साथ। ओके सॉरी, रेडस्टोन का सिर्फ ये ब्लॉक ही ट्रेड करता है, ठीक है यार मैं एक आयरन वेस्ट कर रहा हूँ अपना, ठीक है। ओके लेट्स सी कुछ अच्छा मिल जाए, लाइक कुछ ऑब्सीडियन वगैरह टाइप, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ बट ठीक है देखते हैं क्या मिलते हैं। ठीक है, लैपिश का ब्लॉक ट्रेड कर सकते हैं, नहीं बट लैपिश ट्रेड कर सकते हैं हम इससे, नहीं तो मतलब लैपिश जो है बिल्कुल यूजलेस था है इसके अंदर। मैं डायमंड को ट्रेड कर सकता हूँ अभी भी, तो एक बार डायमंड ट्रेड कर लेते हैं, लाइक कुछ होता नहीं है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, बट ठीक है दैट्स लेट्स सी क्या मिलता है हमें, कुछ ऐसा दियो। ओह शिट एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, लाइक ठीक है इतना भी बुरा नहीं है बट अभी सर्वाइवल के लिए इसकी ज़रूरत तो नहीं है मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। सो चलो यार अभी फार्मिंग शुरू करते, देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी डर्ट वगैरह है, तो या वी कैन इजीली डू डैट। तो सबसे पहले जो है इनको डालते हैं इधर, ओके तो अभी करते हैं फार्मिंग को शुरू। ओके तो गाइस एक चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ की कि हमारे पास वाटर नहीं है एंड इतना इनफ आयरन भी नहीं है कि मैं कूलर बनाऊँ एंड उसके अंदर रेन वाटर कलेक्ट करूँ, ठीक है। सो ये फार्मिंग वाला अगले वीडियो में करेंगे, या मैं ऑफलाइन ऑलरेडी करके रखूँगा ऐसे, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस होती है, हर बार रेन होना लाइक पॉसिबल नहीं है, लाइक जब भी मैं रिकॉर्ड करूँ ऐसा नहीं है कि तभी रेन होगी, ठीक है। सो कभी कभी नहीं होती है, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा ऐसे ऑफलाइन करने की। एंड क्या अपने वो मशीन्स वगैरह के लिए जो है तीसरा एरिया भी बनाऊंगा एंड या उसके अंदर ही जो है हम अपने फार्म्स वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है, लाइक दोनों को मिक्स करके रखेंगे, ठीक है, सेपरेट सेपरेट नहीं रखेंगे, ठीक है।
सो लाइक यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़ा आइलैंड तो वैसे हो चुका है हमारा, बट सून ये आइलैंड भी अभी और बड़ा करूँगा मैं। थोड़े बहुत प्लान्स हैं मेरे पास अभी फार्म्स वगैरह के लिए, जिसमें आइलैंड काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो बट तब तक के लिए अभी अभी उसको रहने देते हैं, उसको साइड रखते हैं, पर तब तक के लिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पर रैप, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और फॉलोवर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।